Dear students, welcome back to Anavasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1, question 61 to 70. And in this, let's start from question 61. <laughs> a rigid vessel of volume 0.50 meter cube containing hydrogen at 20.5 degree centigrade and a pressure of 611 into 10 to the power 3 Pascal is connected to a second rigid vessel of volume containing argon at a temperature and pressure. ए वॉल्व सेपरेटिंग द टू वेजल्स इज ओपनड एंड बोथ आर कूल्ड टू ए टेम्परेचर ऑफ़ फोर्टीन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड वाट इज़ द फाइनल प्रेशर इन द वेजल तो हमारे पास इनिशियली लेट से कि एक वेजल था इस तरह से उसको दूसरे वेजल से कनेक्टेड करना है तो हमारे पास अपन ने एक स्लाइटली ट्यूब से इससे कनेक्ट कर दिया ये जो ट्यूब है इस पर एक स्टॉपिंग और लगा दी और ये जो ट्यूब है इसका वॉल्यूम यहाँ पर अपन नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं काफ़ी नेग्लिजिबल नैरो ट्यूब है ये अब यहाँ पर हाइड्रोजन भरी हुई है यहाँ पर आर्गन भरी हुई है इसके पैरामीटर्स तो हमारे पास दिए हुए हैं जीरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर क्यूब पासकल में प्रेशर दिया हुआ है सिक्स वन वन इंटू टेन टू दावर थ्री पासकल टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है ट्वेंटी पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ट्वेंटी पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है आर्गन के केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0.75 मीटर क्यूब यह तो हमारे पास इसका वॉल्यूम दिया हुआ है इसके साथ इसी का टेम्परेचर हमारे पास 433 थर्टी थ्री इंटू टेन टू द पावर थ्री पास दिया हुआ है और टेम्परेचर 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है अब अपन क्या करते हैं कि इस स्टॉपिंग कॉर्क को ओपन कर देते हैं तो ये मिक्सचर हो जाएगा और हमारे पास नया जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा ये कुछ इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन और आर्गन दोनों ही मिक्स हो जाएगी और फाइनल टेम्परेचर जो दिया गया है फाइनल टेम्परेचर वो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है ठीक है तो अपने को क्या पता करना है फाइनल प्रेशर इन दल यहाँ पर ये एक तरीके से फाइनल टेम्परेचर दिया गया तो प्रेशर अपने को फाइनली पता करना है ठीक है ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा कि यहां पर कुछ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और यहां पर भी कुछ मोल्स ऑफ आर्गन होंगे तो टोटल मोल्स जो होंगे आफ्टर ओपनिंग दिस वॉल्व भी सेम रहेंगे तो टोटल मोल्स हमारे पास हो जाएंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ आर्गन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ आर्गन आप किस तरह से निकाल सकते हैं पी वी इज्वल टू एन आर टीज है PV NRT से। तो पी वी इज्क्ल टू एन आर टीज में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पी वी अपन आर टी अब हमारे पास टोटल मोल्स का एक्सप्रेशन अपन यदि यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होगा टोटल प्रेशर इंटू टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम अपन देखें यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव यानी हमारे पास ये हो जाएगा वन पॉइंट टू फाइव मीटर क्यूब तो यहाँ पर अपन टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं वन पॉइंट टू फाइव इसके साथ आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी सिंपल आर को आर ही रख लेते हैं जिससे कैंसल आउट हो जाएगा और टेम्परेचर टेम्परेचर फाइनल फोर्टीन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया जिसको आप कैलविन में कन्वर्ट करेंगे तो ये टू सेवेंटी थ्री प्लस फोर्टीन पॉइंट फाइव विच इज़ इक्वल टू 287.5 केल्विन ठीक है तो ये अपन यहाँ पर पुट कर देंगे 287.5 सिमिलरली अपन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ आर्गन को भी कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में अपन देखें तो प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ यहाँ पर ऐसा ही यूनिट्स में ही है तो पास कल कंसिडर कर सकते हैं अपन तो यहाँ पर सिक्स वन वन इंटू टेन टू द पावर थ्री इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो दिया हुआ है मीटर क्यूब में आर और टेम्परेचर हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे ट्वेंटी पॉइंट फाइव है तो ये टू सेवेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी पॉइंट फाइव तो ये हमारे पास हो जाएगा टू नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा टू सेवेंटी थ्री प्लस थर्टी वन पॉइंट टू विच इज़ इक्वल टू 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 सेवन फोर यहाँ पर ये वन फोर हो जाएगा थ्री जीरो फोर पॉइंट टू कैलविन ठीक है तो टेम्परेचर हमारे पास आ गए तो इन्हीं की वैल्यूज़ को अपन पुट कर देंगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टू नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव प्लस यहाँ पर प्रेशर फोर थर्टी थ्री इंटू टेन टू द पावर थ्री इंटू वॉल्यूम जीरो पॉइंट सेवन फाइव मीटर क्यूब है आर इंटू थ्री जीरो फोर पॉइंट फाइव थ्री जीरो फोर पॉइंट टू ठीक है तो अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो हमारे पास आर आर तो कैंसिल हो गया केवल अननोन हमारे पास जो है वो टोटल प्रेशर है जो कि आफ्टर ओपनिंग दिस वॉल्व हो जाएगा तो ये टोटल प्रेशर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे 4.84 पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू द पावर फाइव पास कल ठीक है तो हमारा कौन सा ऑप्शन इससे करेक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 62 में बोला गया टू ग्लास बल्ब ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर आर कनेक्टेड बाई ए वेरी स्मॉल ट्यूब हैविंग ए स्टॉप कॉर्क बल्ब ए हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब एंड कंटेन द गैस वाइल बल्ब बी वाज एमपटी तो हमारे पास अपन डायग्राम इसका बना लेते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास दो ग्लास वेजल्स हैं ए एंड बी जिनको एक स्टॉप कॉर्क से सेपरेट किया गया ए और बी ठीक है ए में हमारे पास एक गैस फील्ड है और जो बी है वो खाली है एम है ठीक है तो इसमें हमें बोला गया है कि बल्ब ए हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इसमें गैस भरी हुई है ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉर्क द प्रेशर फेल डाउन टू 20% परसेंट कि लेट से हमारे पास यहाँ पर जो गैस भरी हुई थी इनिशियली उसका प्रेशर जो था वो पी था यहाँ पर प्रेशर पी था ठीक है तो जब इस कोर को अपन ओपन कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाएगा अब यहाँ पर गय, जो प्रेशर था वो केवल इस गैस की वजह से ही था प्रेशर वो प्रेशर जो है वो हमारे पास 20% परसेंट रह जा रहा है इस पी का तो फाइनल प्रेशर जो हो जाएगा हमारा वो पी का केवल 20% परसेंट रह जाएगा यानी हमारा 0.2 पी रह जाएगा ठीक है तो इसमें अपने को पूछा क्या गया द वॉल्यूम ऑफ़ द बल्ब बी इज़ ठीक तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ए का दिया हुआ है कंटेनर का और लेट से बी का वॉल्यूम जो दिया गया है वो वी सेंटीमीटर क्यूब है ठीक है तो यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस वी सेंटीमीटर क्यूब अब यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है इसमें टोटल मोल्स जो होंगे वो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेंगे गैस के तो यहाँ पर अपन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पी वी अपॉन आर टी ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से कैलकुलेट होगा ये हमारे पास इनिशियली यहाँ पर इनिशियल केस की बात करें तो हंड्रेड वॉल्यूम हमारे पास प्रेशर पी है अपॉन आर इंटू टी आर और टी यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस टेम्परेचर यहाँ पे सेम दिया हुआ है सेम टेम्परेचर पे तो टी को वैसा वैसे रख देते हैं वैल्यू नहीं दी हुई है इसके बाद में ये हमारा इनिशियल केस है और बाद में हमारे पास कितना हो जाएगा प्रेशर ज़ीरो पॉइंट टू पी इंटू वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा हंड्रेड प्लस बी अपॉन आर टी अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए ये कैंसिल आउट हो गए प्रेशर भी कैंसिल आउट हो गया, गया यहाँ पे 100 इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू हंड्रेड प्लस वी इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी जो है वो है 400 सेंटीमीटर क्यूब तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 63. 63 में हमें क्या बोला गया है ए मिक्सचर ऑफ सी टू एच टू एंड सी थ्री एच एट ऑक्यूपाइड ए सर्टेन वॉल्यूम एट 80 एम एम ऑफ एच जी कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें यानी कंटेनर में गैसेस रख लेते हैं सी टू एच टू और सी थ्री एच एट इसका जो टोटल प्रेशर है वो हमारे पास दिया हुआ है 80 एम एम ऑफ एच जी ठीक है द मिक्सचर वॉज कम्प्लीटली बर्न टू सी ओ टू एंड एच टू लिक्विड यानी इसकी अपन ने ओ टू के साथ में रिएक्शन करा दी तो हमारे पास क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन का कम्बन करने पे हमेशा सी ओ टू गैस और H2O लिक्विड ही बनेगा ठीक है द वैन द प्रेशर ऑफ़ सी ओ टू वॉज़ फाउंड टू बी टू थर्टी एम एम ऑफ एच जी तो यहाँ पर हमारे पास एच टू लिक्विड है इसका प्रेशर तो वैसे भी नेग्लिजिबल होता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो प्रेशर मिलेगा अपने को प्रेशर ऑफ सी ओ टू जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ सी ओ टू इट इज़ टू थर्टी एम एम ऑफ एच डी एट द सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी थ्री एच एट इन द मिक्सचर इज यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी थ्री एच एट अपने को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इनका कम्बशन रिएक्शन कैसे होगा तो जो जनरल कम्बशन रिएक्शन होती है हाइड्रोकार्बन की वो इस तरह से होती है सी एक्स एच वाई एक्स प्लस वाई बाई फोर ओ टू कन्वर्ट हो रहा है किसमें x एक्स सी ओ टू प्लस वाई बाई टू एच टू ठीक है इस कन्वेंशन को यूज़ करते हुए अपन यहाँ पर कम्बसन करेंगे और बैलेंसिंग कर देंगे तो सी टू एच टू में फाइव बाई टू ओ टू रिक्वायर्ड होंगे फॉर कंप्लीट कम्बन तो यहाँ पे टू सी ओ टू प्लस एच टू आ गया सिमिलरली सी थ्री एच एट की यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर फाइव ओ टू रिक्वायर्ड होंगे तो ये बन जाएगा थ्री सी ओ टू प्लस फोर एच टू ठीक है अब लेट से हमारे पास इनिशियली जो सी टू एच टू के हैं वो ए मोल है और सी थ्री एच एट के बी मोल है ये अपन ने मान लिया तो हमारे पास सी ओ टू कितना बनेगा टू ए और यहाँ पर थ्री बी मॉल मिल जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन एक दी हुई है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन में अपन देखें वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट देन प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स की ठीक है तो इनिशियली हमारे पास इन दोनों के जो प्रेशर है ए टी एम एम ओवेजी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए इनके टोटल मोल्स के इसलिए हमारे पास ए प्लस बी जो मोल्स का समीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा 80 एम एम ऑफ एच जी की सिमिलरली आफ्टर रिएक्शन या कंबशन हमारे पास जो प्रेशर ऑफ सी है वो कितना बन रहा है टू ए ये टू ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके प्रेशर के जो कि टू थर्टी एम एम ऑफ एच है तो ये 230 आ जाएगा ठीक है अब इसको आप क्या कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना चाहें यानी अपन क्या करेंगे 2a ए प्लस थ्री दोनों को डिवाइड कर देंगे टू बाई वन तो हमारे पास आ जाएगा टू ए अपॉन थ्री प्लस थ्री बी अपॉन ए प्लस बी ये हमारे पास आ जाएगा टू थर्टी बाई एटी ठीक है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू थ्री बी बाई ए वन प्लस हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो एक्सप्रेशन आएगा बी और ए के बीच में वो आ जाएगा बी इज इक्वल टू सेवन ए ठीक है तो बी इक्वल टू सेवन ए आ गया अब अपने को क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सी थ्री एच एट चाहिए तो हमारे पास क्या होगा मोल्स ऑफ सी टू एच टू या सॉरी सी थ्री एच एट यहाँ पर ये यह मोल्स होंगे मोल्स ऑफ सी थ्री एच एट अपॉन मोल्स ऑफ सी टू एच टू प्लस मोल्स ऑफ सी थ्री एच एट टोटल मोल्स तो सी थ्री एच एट के मोल्स कितने बी अपॉन ए प्लस बी अब बी की वैल्यू अपने पास सेवन ए है तो सेवन ए हो जाएगा यहां पर ए प्लस सेवन ए यानी सेवन ए अपॉन एट ए तो सेवन बाई एट जो हो जाएगा वो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना होगा इट इज जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी फोर इसमें बोला गया है द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज वन ए टी कि हमारे पास एक मिक्सचर दिया हुआ है H2 टू प्लस ओ ठीक है इस मिक्सचर का जो प्रेशर दिया गया है वो दिया गया हमारे पास वन ए टी एम द मिक्सचर इज इग्नाइटेड एंड द वाटर इज़ रिमूवड तो हमारे पास इस मिक्सचर को इग्नाइट किया आपने तो हमारे पास ऑक्सीजन ही इग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो अपन रिएक्शन देख लें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपने रिएक्शन कराई तो हमारे पास एच बन जाएगा ठीक है क्लियर है कि हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पर H2 बना प्योर हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एंड एग्जर्ट द रिमेनिंग गैस इज प्योर हाइड्रोजन पे वाटर को जो है रिमूव कर दिया गया है तो ये हमारा जो गैस है वो लीव आउट हो जाएगी बाहर निकल जाएगी गैसेस फॉर्म में रहने की वजह से फिर हमारे पास जो बचा हुआ है वो केवल प्योर हाइड्रोजन है दैट मीनस ओटू भी जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो लेट्स से हमारे पास इट मस्ट बी एल आर जो भी हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया लिमिटिंग रिएजेंट ये होना चाहिए तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं इनिशियली लेट इसके हाइड्रोजन के जो है ए मोल है और ऑक्सीजन के जो है वो बी मोल है इसको लिमिटिंग रिएजेंट होना है तो इसको जीरो होना पड़ेगा तो जीरो होने के लिए क्या जरूरी है कि आप बी में से बी मोल माइनस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा अब यहाँ से ओ से यदि आप बी मोल सब्जेक्ट किए तो वन मोल के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितने मोल डिसोसिएट होते है? टू मोल तो बी मोल के रेस्पेक्ट में कितने कम होंगे टू बी मोल ठीक है और यहाँ पर एच टू गैस के टू बी जो कि निकल गए ठीक है तो यहाँ पर फाइनल एच टू के जो मोल्स है वो हमारे पास ए माइनस टू बी हो जाएंगे क्लियर अब इनिशियली हमारे पास क्या था इनिशियली हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो प्रेशर वन ए टी एम पर दी गई थी उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है यहां पर भी आपने को सेम ही लॉजिक लगाना पड़ेगा जो प्रीवियस में लगाया था अपन ने कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के तो इनिशियली इसके ए मोल्स और इसके बी मोल्स हैं तो टोटल मोल्स जो हो जाएंगे वो टोटल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी हो वन के प्रोपोर्शनल होगा सिमिलरली आफ्टर रिएक्शन जो प्रेशर है ए माइनस टू बी वो हमारे पास ज़ीरो पॉइंट फोर ज़ीरो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट फोर जीरो तो सिमिलरली आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए टू बाई वन और हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर जीरो अपॉन वन तो ये इक्वेशन आ जाएगी a माइनस टू बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर जीरो ए प्लस बी ठीक है अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा ए इक्वल टू फोर बी अब अपने को चाहिए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ओ टू एंड एच टू तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ए प्लस बी तो आप यहाँ पर ए अपॉन बी की ए की जगह फोर बी लिख सकते हो आप तो यहाँ पर फोर बी अपॉन ये हो जाएगा फाइव बी यानी ये फोर बाई फाइव हो जाएगा सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू की अपन बात करें तो हमारे पास बी अपॉन ए प्लस बी तो हमारे पास b तो ये तो हो ही गया इसके साथ फाइव भी हो जाएगा यानी 1 अपॉइंट फाइव तो 1 अपॉइंट फाइव हमारे पास हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.8 तो कौन सा आंसर हमारे पास यहाँ पर होगा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 फाइव टू क्लोज वेजल ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 8.21 पॉइंट टू वन लीटर आर कनेक्टेड बाई ए नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लीजिबल वॉल्यूम विद ओपन वाल्व द लेफ्ट हैंड साइड कंटेनर इज़ फाउंड टू कंटेन थ्री मोल सी ओ टू एंड टू मोल हीलियम एट फोर हंड्रेड कैलविन वट इज़ द पार्शल प्रेशर ऑफ हीलियम इन वेजल बी एट फाइव हंड्रेड कैलविन तो हमारे पास दो कंटेनर डेट से इस तरह से ओपन ट्यूब से ये कनेक्टेड है ठीक है ए कंटेनर और बी कंटेनर अब हमारे पास जो ए कंटेनर है इसमें क्या दिया हुआ है थ्री मोल तो सी ओ टू है प्लस टू मोल ही है वो भी किस टेम्परेचर पे 400 हंड्रेड कैलविन तो टोटल तो मोल्स इस कंटेनर के अपन यदि निकालें टोटल मोल्स तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे थ्री प्लस टू फाइव मोल्स तो यहाँ पर अपन टोटल प्रेशर निकालें इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर तो हमारे पास पी वी इज्कवल टू तो एन आर टी से हमारे पास क्या हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी यानी टोटल मोल्स फाइव आर टी अपॉन वी अब इस कंटेनर की बात हो रही थी तो यहाँ पर इन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम ईच का जो है 8.21 लीटर है इसका भी 8.21 लीटर है ठीक है तो हमारे पास वॉल्यूम जो हो जाएगा टोटल प्रेशर का वो इसी कंटेनर का है क्योंकि इस कंटेनर में ही हमारे पास गैसेस भरी हुई थी पहले तो ये हो जाएगा फाइव आर टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर कितना दिया है फोर हंड्रेड अपॉन वॉल्यूम हमारे पास एट हो जाएगा ठीक है तो ये टोटल प्रेशर आ गया बट जैसे ही अपन ने क्या किया की वॉल्व ओपन है इसके बाद डिस्पर्स हो गई है गैसेज और टेम्परेचर हमारे पास 400 हंड्रेड से यहाँ पर 500 हंड्रेड हो गया और अपने को वेजल बी में हीलियम का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम होगा वो अपन इस फॉर्मूला से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन टोटल प्रेशर अब जो टोटल प्रेशर होगा वो तो कॉन्स्टेंट ही होगा इनिशियली हमारे पास जो गैसेस थी ए में वही हमारे पास ओपन वॉल्व के केस में भी रहेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हिलियम अपन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हिलियम कैसे निकलेगा मोल्स ऑफ हिलियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स टू प्लस थ्री और टोटल प्रेशर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा फाइव आर इंटू फोर हंड्रेड अपॉन एट पॉइंट टू वन तो ये वैल्यू हो जाएगी टू बाई फाइव इंटू फाइव आर की वैल्यू अपन देखें यहाँ पे तो कितनी आएगी ज़ीरो पॉइंट जीरो एट टू वन इंटू फोर हंड्रेड अपॉन एट पॉइंट टू वन तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी एट एटमोसफेरिक प्रेशर तो पार्सल प्रेशर ऑफ हीलियम हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एट ए टी एम तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास सिक्सटी सिक्स में बोला गया एट एस टी पी ए कंटेनर हैज़ वन मोल हीलियम टू मोल न्योन एंड थ्री मोल ओ टू एंड फोर मोल एंड टू विदाउट चेंजिंग टोटल प्रेशर इफ टू मोल ऑफ O2 इज रिमूवड द पार्शल प्रेशर ऑफ O2 विल बी डिक्रीज बाई तो हमारे पास इनिशियली क्या क्या है कंटेनर में वन मोल हीलियम है टू मोल नियोन है थ्री मोल ओ टू है और फोर मोल नाइट्रोजन है तो so, हमारे पास जो टोटल मोल्स है वो कितने यहाँ पे टेन मोल है ठीक है तो अपने को इनिशियली यहाँ पर इनिशली जो पार्शल प्रेशर ऑफ ओटू होगा पार्शल प्रेशर ऑफ ओटू पार्शल प्रेशर ऑफ ओटू जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑटू इन टू टोटल प्रेशर होगा और फाइनली जब अपन ने यहाँ पे टू मोल ऑटो रिमूव कर दिए तब भी यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे आप बट वहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा इनिशियली हमारे पास यहाँ पर कितना था थ्री मोल ओ टू था तो इसका मोल फ्रैक्शन जो है थ्री बाई टेन इन टू टोटल प्रेशर है और जैसे ही टू मोल आपने रिमूव कर दिए पर टोटल प्रेशर को अनचेंज रखे हुए तो थ्री में से टू गए तो वन बचा टोटल मोल्स हमारे पास यहाँ पर टेन की बजाय अब कितने बचेंगे टू मोल्स यदि यह यहाँ से रिमूव हो गए तो एट बचेंगे इसलिए टोटल मोल्स एट हो गया इन टू टोटल प्रेशर दिया हुआ है ठीक है तो अपने पास पार्शियल प्रेशर अपने को दोनों केसेस में पता लग गए तो अपने को पूछा क्या गया पूछा गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू विल बी डिक्रीज बाय तो परसेंटेज अपने को पूछा गया तो इनिशियली माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल तो परसेंटेज डिक्रीज जो आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे इनिशियल थ्री बाई टेन पी टी माइनस वन बाई एट पी टी अपॉन इनिशियल थ्री बाई टेन पी टी इन टू हंड्रेड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 58.33% तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 इसमें बोला गया ए एट 21 मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर लिक्विड वाटर एट 300 केल्विन एंड 1 एटीएम इफ वेपर प्रेशर ऑफ टू इज 30 टॉर देन मोल्स ऑफ N2 गैस इन मोस्ट गैस मिक्सचर इज कि हमारे पास यहाँ पर कंटेनर में वाटर भरा हुआ है ठीक है इस वाटर के ऊपर एन टू गैस और एच टू ओ गैस दोनों है वाट वेपर वाटर वेपर भी है तो इसका जो प्रेशर दिया गया है टोटल प्रेशर दैट इज वन ए टी एम और उसे टोर में लिखें तो अपने पास सेवन सिक्सटी टोर और प्रेशर ऑफ एच टू जिसे अपन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है थर्टी टोर दिया हुआ है तो अपने को प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यदि निकालना हो टोटल प्रेशर यहाँ पर जो है वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ एच टू यानी वेपर प्रेशर है तो प्रेशर ऑफ एन टू हमारे पास हो जाएगा सेवन सिक्सटी माइनस थर्टी यानी सेवन थर्टी ठीक है तो इसके बाद में अपने को क्या निकालना है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना है मोइस्ड गैस मिक्सचर में ये जो मिक्सचर दिया गया है इसमें तो हमारे पास इक्वेशन है पी वी टू एन आर टी ठीक है तो अपने को यहाँ पर मोल्स निकालने तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास हो जाएगा पी वी अपन आर टी प्रेशर हमारे पास दिया गया है, टोर में जिसको ए टी एम में कन्वर्ट करेंगे अपन तो सेवन थर्टी अपॉन सेवन सिक्सटी ए टी एम हो जाएगा तो यहाँ पर इसको वैसा का वैसा ही पुट करेंगे प्रेशर हो गया वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है एट टू वन मिली लीटर ठीक है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे एट टू वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री आर की वैल्यू हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन टेम्परेचर थ्री हंड्रेड के दिया हुआ है तो जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू ठीक है तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास सिक्सटी एट सिक्सटी एट में हमें क्या बोला गया लेट पी एंड पी एस बी द पार्सल प्रेशर ऑफ एच टू गैस एंड वेपर प्रेशर ऑफ एच टू ओ लिक्विड रेस्पेक्टिवली तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है वेपर पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टूओ गैस अपॉन वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ एच टू लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय 100 तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हमारे पास है पी वेपर प्रेशर है पी एस इन तो कौन से एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 69 में हमें क्या बोला गया द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज थ्री फिफ्टी ऑफ एच जी लीटर वेजल कंटेंस ओ At 80 degree centigrade, saturated with water, the total pressure being 760 mm of Hg, the content of the vessel were pumped into 0.3 liter vessel at the same temperature. What is the partial pressure of O2? ठीक? तो हमारे पास initially क्या दिया हुआ है? Vapour pressure of H2. Vapour pressure of H2 हमारे पास दिया गया है 355 mm of Hg. ठीक? इसके बाद हमारे पास एक वन लीटर वेजल है वन लीटर वेजल है जिसमें ओ टू फिल आउट है ये भी टेम्परेचर उसी पे है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ एच टू है एट एटी डिग्री सेंटीग्रेड सेचुरेशन विद वाटर तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका टोटल प्रेशर होगा टोटल प्रेशर वो हमारे पास प्रेशर ऑफ ओ टू प्लस प्रेशर ऑफ एच टू यानी वेपर प्रेशर के बराबर होगा और ये हमारे पास दिया हुआ है सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच तो अपन प्रेशर ऑफ ओटू निकाल सकते हैं प्रेशर ऑफ ओटो हमारे पास हो जाएगा सेवन सिक्सटी माइनस थ्री फिफ्टी फाइव ठीक है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर जीरो फाइव एम एम ऑफ एच डी ठीक तो प्रेशर ऑफ़ ओटो आपने निकाल लिया अब इसके बाद में हमारे पास आ रहा है द कंटेंट्स ऑफ द वेजल वर पम्पड इंटू जीरो पॉइंट थ्री लीटर वेजल कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑटो भरा हुआ था वन लीटर कंटेनर में उसको आपने कन्हाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जीरो पॉइंट थ्री लीटर वेजल में पंप कर दिया अब यहाँ पर हमारे पास ओ टू गैस जो थी वो ट्रांसफ़र हो गई तो अपने को न्यू कंटेनर में पार्शल प्रेशर ऑफ ओ टू ऑब्टेन करना है तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है सेम टेम्परेचर पे दिया हुआ है तो सेम टेम्परेचर पे अपन बॉयल्स लो लगा सकते हैं बॉयल्स लो के बेसिस पे टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो पी वी टू कॉन्स्टेंट यानी P1 V1 वी वन इजक्वल टू पी टू वी टू इनिशियली हमारे पास यहाँ पर प्रेशर P1 हमारे पास कितना दिया हुआ है O2 का वो हमारे पास 4.05 दिया हुआ है वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास प्रेशर ऑफ P2 अपने को फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम जो है वो कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट थ्री लीटर दिया हुआ है ठीक है तो इसी को सॉल्व करें फर्दर तो हमारे पास फोर ज़ीरो फाइव इंटू वन इक्वल टू पी टू इंटू जीरो पॉइंट थ्री तो इसको सॉल्व करोगे आप तो पी टू हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा वन थ्री फाइव जीरो अब ये जो है प्रेशर ये एम एम ऑफ एच जी में है तो अपने को क्वेश्चन में कहीं पे ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है वन थ्री फाइव जीरो एच जी एम एम ऑफ एच जी ये प्रेशर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ओ टू का तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास सेवेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग गैशियस मिक्सचर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डाल्ट लो ऑफ पार्शियल प्रेशर तो हमारे पास जो डाल्ट लो होता है वो ओनली एप्लीकेबल होता है फॉर नॉन रिएक्टिंग गैशस मिक्सचर ठीक है गैशियस रिएक्श जो हमारे पास गैसेस रिएक्ट कर सकती हैं उनमें हमारे पास डाल्टनस लो एप्लीकेबल नहीं होगा तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन ये रिएक्शन कर सकता है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके बना लेता है एस ओ टू सी एल टू तो ये रिएक्टिंग मिक्सचर हो जाएगा और रिएक्टिंग मिक्सचर पे डाल्टन स्लो एप्लीकेबल नहीं होता बाकी हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है तो वहाँ पे डाल्टन स्लो एप्लीकेबल हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है